73 वर्षों के बाद पहली बार 73वीं संविधान दिवस महोत्सव समारोह का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया। बेगूसराय सिविल कोर्ट के प्रांगण में आज संविधान दिवस महोत्सव का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दीप प्रज्वलित कर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए संविधान के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाले। इस संविधान दिवस महोत्सव का अध्यक्षता अधिवक्ता श्री बैद्यनाथ सिंह ने किया तथा संचालन गोपाल कुमार ने किया। इस आयोजन का संयोजन कौशल किशोर सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, बाबा साहब के द्वारा यह एक लिखित विश्व का सबसे बड़ी और सुंदर संविधान है। इस तरह सभा को प्रमोद मनवद्ध, चंद्रकांत सिंह, राम नरेश राय, सैयद मोहम्मद मंसूर आलम, लोक अभियोजक, अधिवक्ता राम पदार्थ यादव, राम विनोद यादव, शशि कुमार झा, आर्जक विचारक डॉक्टर राम उदय शर्मा ने सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आज का दिन देश रत्न बोधिसत्व भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करना भी बेहद जरूरी है। आज का दिन 26 नवंबर की अपनी खास महत्व है। यही वह दिन है जब भारत ने अपने संविधान को अपनाया। उन्होंने कहा, 1946 में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में तैयार हुआ। जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, तब 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू कर दिया गया। आज के दिन हम संविधान दिवस के साथ साथ कानून दिवस के रूप में भी मानते हैं। लेकिन 73 वर्षों के बाद बेगूसराय में पहली बार कौशल किशोर सिंह के द्वारा यह संविधान दिवस का आयोजन किया गया। यह एक ऐतिहासिक बात है। संविधान दिवस सिर्फ देश की सरकार और राजनीतिक पार्टियों का पर्व नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की जनता का पर्व है। देश के हर नागरिक के लिए यह गर्व का दिन है। देखिए इस पूरे रिपोर्ट में। बेगूसराय से अनिकेत सिन्हा की रिपोर्ट, टीम DNCT लाइव न्यूज, बेगूसराय। 25 नवंबर 1949 को एकक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, आत्मजागरण। मैं आप सारे लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने जो सहयोग दिया, आप लोगों ने जो अपना समय बर्बाद किया और अपने समय सीमा को नहीं देखते हुए यहाँ धैर्यपूर्वक बैठे रहे, इसके लिए मैं सारे लोगों के सामने समर्थक हूँ। सारे लोग धन्यवाद से पात्र हैं। मैं इतना जोर कहूंगा कि इसी जोश और जोश के साथ आगामी भी आप अपनी सहानुभूति देते रहे पूरा ये अगले साल भी ये मनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। अब इस कार्यक्रम के आयोजक कौशल जी धन्यवाद जी आगा होगा एवं पाटिलन आम जन नागरिक। बहुत खुशी की बात है कि आज ही के दिन संविधान सभा में मात्र 15 अनुसूची को लागू किए थे और शेष अनुसूची को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसीलिए संविधान भारत का संविधान 1950 कहलाता है। इस बात की भावना अचानक मेरे मन में आई और मैंने इस बात को शुरू की और यहाँ का अधिवक्ता बंधुओं ने जितना सहयोग किया उसके लिए मैं अपार हर्ष व्यक्त करता हूँ और साथ साथ धन्यवाद देता हूँ। इसी ढंग से करते रहे और हमारी सब स्पर्धा को कायम रखे। मैंने सिर्फ शुरुआत करने का एक काम किया हूँ। धन्यवाद।